theme for these three sessions are fulfilling God's purpose in our generation. और जैसे साक्षी ने बताया, ये हमारे जो सभा का मकसद है, ये परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा कैसे हो, इसके ऊपर ये तीन सभाएं हैं। In Acts 13:36 is written about David. और प्रेरितों का काम 13वां अध्याय की 36वीं आयत में दाऊद के बारे में लिखा है। When David had served God's purpose for generation, he fell asleep. He has gathered his forefathers and his body decayed. क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया। And every generation God has a purpose. और हर पीढ़ी के लिए परमेश्वर की एक योजना है। And today we are 2000 years closer to second coming of Christ than the first century Christians. और हम जो है अभी प्रभु यीशु मसीह के आने के जो पहली पीढ़ी के लोग थे उनसे 2000 साल आगे हैं। And today God is waiting for people to repent of their sins, call upon Jesus' name and be saved. और परमेश्वर इंतजार करता है कि लोग उसके नाम को पुकारें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें और उद्धार पाएं। That is why he has not yet come. और इसीलिए वो अभी तक नहीं आए। People have been questioning his second coming for a long time. और लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में प्रश्न करते हैं। When is he going to come? All these years, everything going on the same way. When is he going to come? कि वो कब आएगा? जैसे चल रहा था, वैसे ही चलता आ रहा इतने सालों से, वो कब आएंगे? You must remember that God's timing and our timing is different. पर हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का समय और हमारे समय में बहुत फर्क है। With God, one day like 1,000 years, 1,000 years like one day. परमेश्वर के लिए एक साल हमारा एक दिन 1,000 साल के बराबर है। And 2 Peter 3:9 onwards is written. और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसके तीसरे अध्याय में 9वीं आयत के आगे हम पढ़ते हैं। God is not slow in keeping His promise as some understand slowness. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं। He is patient with everyone, not wanting anyone to perish, but all to come to repentance. पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। It's the will of God that no one perishes; he all should be saved. That's the heart of God, the will of God. और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के दिल की बात यह है कि वो चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, सबका उद्धार हो जाए। And therefore, one of the purpose of God in this generation, like we shared last night, for the church to be sharing the gospel. और जैसे हमने कल बताया था भाई ने कि कलीसिया के लिए परमेश्वर की एक योजना ये है कि वो सुसमाचार प्रचारक कर कि कलीसिया And also for us to be a people as a church to live a holy life. और एक कलीसिया के तौर पे उसकी ये भी इच्छा है कि हम एक पवित्र जीवन बिताएं। The second Peter chapter 3 from verse 10 we read. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं। The day of the Lord come like a thief. परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। The heavens will disappear with the roar. और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। The elements will burn with fire. और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। And the earth and everything there is will be laid bare. और पृथ्वी और उस पर किए काम सब जल जाएंगे। Since everything will be destroyed in this manner, क्योंकि सब चीजें इस तरह से नाश हो जाएंगी, What kind of people are you to be? हमें किस तरह के लोग होना चाहिए? You ought to live holy and godly lives as you look for the day of the Lord and speed its coming to make him come quickly. और हमें जो है पवित्र जीवन जीना चाहिए और ऐसा जीवन चाहिए जीना चाहिए कि जिसको देख के प्रभु जल्दी से आ जाए। This is addressed to the church at large. और ये पूरी कलीसिया सब के लिए ये वचन है। This letter has been written primarily to the churches in 5 regions: Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. और जो जो ये पत्री पत्रस की लिखी गई है ये 5 कलीसियां जो थी पोंतुस गलेतिया और जो उस साइड उस तरीके की जो और कलीसिया थी 5 उनको लिखा गया था But for all of us today also, और ये हमारे लिए भी आज भी वही चीज लागू होती है We are closer to the second coming of Christ 2000 years closer than those churches in 2000 years ago. और हम प्रभु के आगमन के 2000 साल और नजदीक है बनिस्पत उनके जो शुरुआती कलीसिया थी Now God wants the church to be set apart to be holy, to be a witness for Christ. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक अलग की हुई एक पवित्र समाज बने ताकि हम परमेश्वर के गवाह बन सकें। In 1 Peter 2:9, Peter writes. और पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वीं आयत में पत्रस लिखता है। You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation.
तुम एक चुना हुआ वंश और पर राजपदाधारी राजकों का समाज और पवित्र लोग हो अ पीपल बिलोंगिंग टू गॉड और परमेश्वर के लिए चुने हुए लोग हो, निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। In the context of being a witness for Christ and sharing the gospel, it's imperative that as a church we are set apart and holy. और ये हम ये कि कलीसिया परमेश्वर का सुसमाचार वाली कलीसिया बने, इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अलग किए हुए हों और पवित्र हों। In fact, the word church actually means in Greek a word called ekklesia. और यूनानी भाषा में चर्च शब्द जो है वो एक्लेसिया शब्द है। And most Greek dictionaries, English dictionaries, will say ekklesia means called out people. और यूनान और जो यो यूनानी भाषा की जो कलीसिया है जो बाइबल है वो बताते हैं कलीसिया का मतलब बुलाए हुए लोग। Called out from following the world to following Jesus. संसार के पीछे चलने वालों से निकाल करके और वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनाना। But the word ecclesia has far more deeper meaning than just called out. पर ये ecclesia शब्द जो है इसका और भी गहरा शब्द है, सिर्फ यही नहीं है कि बाहर निकाला गया बुलाया गया। The word actually is summoned to follow Jesus. और इसको जो है ये शब्द वास्तव में ये है कि सम्मन करके बुलाया गया, जिसको कि आदेश देके बुलाया गया हो। For example, in a court, when the judge summons to the court, they issues what is called court summons. और जैसे कचहरियों में होता है कि समन आता है, किसी को कचहरी में पेश होना होता है तो उसके लिए समन भेजा जाता है कि भाई तुझे कलीसिया में इस दिन आना है। Sort of invitation to the church, और ये एक तरीके से उस व्यक्ति को नियुक्ता है आने के लिए। Sort of invitation, the letter does not say when you have time come to the court. ये कोई ये समन जब भेजा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नियुक्ता है भाई जब फुर्सत हो आ जाना, ऐसा नहीं है। You are commanded to come to the court. तुम्हें कचहरी में उस दिन आना ही आना है। If you don't come, then you can have contempt of court. अगर आप नहीं उस आदेश को मानते हैं तो आपके ऊपर कचहरी की कोर्ट की अवहेलना का आप पे जुर्म लग सकता है। Now God will not condemn us. He says no contempt for us in God. परमेश्वर तो हम पे दोष नहीं लगाता, वो हमारे को कभी भी हम पे दोष नहीं लगाता। But as God's people, we are purchased by the blood of Christ. We belong to Him. पर हम जो कलीसिया हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए हैं और हम उसके हैं। So all the people are summoned from following the world to following Jesus, a holy set apart people are the church. और तो हमें जो अलग करके बुलाया गया है, पवित्र करके जो लोग बुलाए गए हैं, जिन्हें सब बुला अलग किया गया आदेश से, वो कलीसिया है। Church is not a building. The church meets in a building, which we call church, but it's not church. Church is people. Church जो है कोई इमारत नहीं है, ये लोगों का समूह है जो परमेश्वर के लोग हैं, वो उनको कलीसिया कहते हैं। All of us who belong to Jesus, been bought by His blood, are called to follow Him and be set apart and holy. हम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिसे बुलाया, हमें उसके पीछे जिसको अपने लहू से उसने मोल लिया है, हमें अलग बुलाया गया कि हम पवित्र रहें और अलग रहें। Lot of people have this question: Why did God choose the nation of Israel to be His people? कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को अपनी अपनी प्रजा करके क्यों बुलाया? Why is God partial to the Israelites in the olden days? परमेश्वर इज़राइलियों के साथ पक्षपात क्यों करता है? Actually, the reason why He chose the nation of Israel. और कारण क्या है कि प्रभु ने जो इज़राइलियों को चुना? And in fact, that question was answered 2,000 years ago. और इस प्रश्न का उत्तर तो 2000 साल पहले ही प्रभु ने दे दिया। The book of Romans chapter 3 we read from verse 1. रोमियो तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत से आगे हम पढ़ते हैं। The apostle Paul puts this question and answers the question in the first two verses. और पौलुस खुद यह प्रश्न पूछता है और खुद ही उसका उत्तर देता है पहली दो आयतों में। What advantage is there in being a Jew? So यहूदी होने की क्या बढ़ाई? What is the value in circumcision? या खतने का क्या लाभ? Much in every way. First of all, they've been given the oracles of God. They've been given the word of God. हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर का वचन उनको सौंपा गया है। It so happened that God gave them the commandments, and that's what makes them special. और परमेश्वर ने उनको अपनी आज्ञाएं दी और ये आज्ञा देने के कारण से ही वो इतने खास बन गए। But why did God give them the commandments? पर परमेश्वर ने उनको अपनी आज्ञाएं क्यों दी? Before He gave them the commandments,
He sent Moses down from the Mount of Sinai to the Israelites with a message. और इससे पहले कि परमेश्वर मूसा को वो आज्ञा देता, परमेश्वर ने मूसा को बोला लोगों के पास जा, एक संदेश लेके भेजा. Exodus 19 chapter 4, 5, 6. और निर्गमन 19वां अध्याय उसकी 4 से 6 में आयत में हम देखते हैं. You yourself know what I did to Egypt, how I carried on eagle's wings and brought you to myself. कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों का क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब के पंखों, पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं. Now, if you obey me fully and keep my covenant, out of all the nations, you will be my treasured possession. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरे वचन का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है. Although the whole earth is mine, you'll be for me kingdom of priests and a holy nation. और पूरी पृथ्वी तो मेरी है, फिर भी तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य का और पवित्र जाति ठहरोगे. So God's purpose in giving the commandments to the Israelites, only after they agreed to obey Him, He gave the commandments. और परमेश्वर का मकसद उन इज़राइलियों को देने का ये था. पहली बात तो उसने इसलिए दिया क्योंकि वो उस आज्ञा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए. But as they obey the commandments, they will be an example to all the nations, for all the nations to know who the true God is. कि जब वो आज्ञा मानेंगे तो सारा संसार देख पाएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है. And they agreed to obey God. 8th verse of Exodus 19. और 19वीं आयत में लिखा है कैसे कि उन्होंने स्वीकार मान लिया कि हम तेरी आज्ञा मानेंगे. Exodus 19 chapter 18. We will obey everything the Lord tells. और निर्गमन 19वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि हम तेरी सारी आज्ञाओं को मानेंगे. Only after that God gave them commands. जब उन्होंने ये मान लिया तभी परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी. So God's plan was all the nations of the world will come to know who the true God is. परमेश्वर की योजना यह थी कि सारे संसार के लोग जान सकेंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है. He shows no partiality. परमेश्वर किसको ही पक्षपात नहीं करता. Deuteronomy 10:17 he says God shows no partiality, Bible says. और व्यवस्था विवरण 10:17 में लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता. Now the Israelites, they failed God, didn't obey God. और इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर को उन्होंने निराश कर दिया. Many times they disobeyed God. और बहुत दफे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी. And they face the consequence of disobedience. और उसका परिणाम, अपनी अनाज्ञाकारिता का परिणाम भी उन्होंने भुगता. One such time they were exiled in Babylon. और एक बार तो वो बेबीलोन में भी बंधुआई में चले गए. After Jeremiah ministered for 40 years warning them, they still didn't listen. यर्मिया 40 साल तक उनको चेतावनी देता रहा पर उन्होंने नहीं सुना. They were exiled in Babylon. और वो बेबीलोन की बंधुआई में चले गए. While they were in Babylon, the Lord spoke to the prophet Ezekiel. और जब वो बंधुआई में थे बेबीलोन में, वहां एजिकेल नबी के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातें करी. Ezekiel 36:23. एजिकेल 33वां अध्याय उसकी 23वीं आयत. Chapter 36 verse 23. 36वां अध्याय उसकी 23वीं आयत. I will show the wholeness of my great name which had been profaned among the nations. मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है. The name you have profaned among them. जिसको तुमने उनके बीच में अपवित्र किया है. Then the nations will know I am the Lord when I show myself holy through you before their eyes. हाँ, जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं. यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है. What God is saying here is, I will show myself holy through you before their eyes, the nations of the world. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनकी नजरों में तुम्हारे द्वारा से अपने आप को पवित्र ठहराऊंगा. This was meant to be the workmanship of God. और जो इजरायली लोग थे वो परमेश्वर के काम के, उसके बनाए हाथ के काम थे. In Isaiah 49:3, the Lord told them, "You are my servant Israel, in whom I will display my splendor." और यशायाह 49 और उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि और मुझसे कहा तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा. When they failed God, जब उन्होंने परमेश्वर को निराश कर दिया, the Lord spoke about you and me, New Testament believers. और तब परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जो नए नियम के विश्वासी हैं उनके लिए बात करी. A prophecy about us in Isaiah 61:3. और यशायाह 61 उसकी तीसरी आयत में आपके और मेरे लिए भविष्यवाणी करी. They'll be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर और
जिससे कि वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, जिससे कि उसकी महिमा प्रकट हो। And today you and me are called to be the workmanship of God, the display of God's splendor to the nations. और आप आज परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि हम उसकी महिमा को, उसकी पवित्रता को सारे संसार के लोगों पे प्रकट कर सकें। So every one of us, after being saved, are called to live a holy life. तो आप में से हर, हम में से हर एक को जब हमारा उद्धार हो जाता है तो हमें बुलाया गया इसलिए कि हम पवित्र जीवन जिए परमेश्वर के लिए। As we look for the new heaven and new earth, as written by Peter, 2 Peter chapter 3. और जैसे दूसरा पत्रस तीसरे अध्याय में लिखा कि हम नए आकाश नई पृथ्वी की ओर देखते हैं। They're called to be spotless, blameless, and at peace with Him. और हमें निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर के साथ मेल के साथ रहने के लिए बुलाया गया। And today we are the holy nation. और आज जो है हम जो है एक पवित्र समाज है, पवित्र राष्ट्र है। Now we all very often pray the Lord's prayer. हम बहुत दफे परमेश्वर की प्रभु की प्रार्थना करते हैं। Look at the first two aspects of the prayer. उस प्रार्थना के पहले दो पहलुओं को अगर हम देखें। Our Father who art in heaven, कि हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, hallowed be your name, तेरा नाम पवित्र माना जाए। The word hallows is a verb expressing holiness. Let your name be holy. He is already a holy God. What you are saying is, let your holiness be seen through your children. और ये क्रिया के तौर पे है, पवित्रता, वो परमेश्वर तो पहले ही पवित्र है, पर उसकी बात ये है कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा से उसकी पवित्रता दिखाई दे। The word holy means hagios. Hagiazo means the verb hallowing. और हगियोस शब्द है पवित्रता का, पवित्र का, और पवित्रता प्रकट करना वो हगियोस, हगियोस शब्द है। Verb is hagiazo. हगियाजो क्रिया जो है वो हगियासो है। So we say, hallowed be your name, thy kingdom come. और इसलिए हम कहते हैं कि तेरा राज आए, तेरा तू पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। These two things are what we're discussing. Last time we discussed about thy kingdom, his kingdom coming by sharing the gospel. और इन दो बातों पे मनन किया था जब पहले हमने बात करी थी कि उसके राज के आने की जब बात करते हैं। And every time we pray this prayer, it's a mirror for us. Are we hallowing his name? Are we sharing the message of God's kingdom? तो ये हम सब जब भी ये प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए सामने एक दर्पण आ जाता है कि क्या मैं पवित्र परमेश्वर के नाम को पवित्र कर रहा हूँ, क्या मैं उसके नाम के का प्रचार दूसरों तक कर रहा हूँ। We have a role to play in the fulfillment of this prayer, answer to this prayer. इस प्रार्थना के उत्तर के लिए आपका और मेरा बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है हमारी। God wants to show to the world his fullness through his people. परमेश्वर अपनी पवित्रता अपने लोगों के द्वारा से प्रकट करना चाहता है पूरे दुनिया के ऊपर। And God wants the church to be faithful to the gospel that the world be saved. और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसके वचन के लिए विश्वासी बने रहें और पूरे संसार के लोग उद्धार पाएं। The people of this world are thinking if they are holy, they will find the truth, they will find God. और ये संसार के लोग सोचते हैं अगर वो पवित्र होंगे तब वो परमेश्वर को ढूंढ लेंगे। But the truth is, it is not holiness that help us find God. Is knowing the truth that leads to godliness. और ये नहीं है कि पवित्रता होने के बाद हम सच्चाई को ढूंढ लेंगे, पर सच्चाई को जानने के बाद ही हम पवित्र हो सकते हैं। Titus chapter 1 verse 1 says, the knowledge of the truth leads to godliness. और तीतुस 1:1 में लिखा है कि उस पवित्र को जब सत्य को पहचानने के बाद हम भक्ति के भक्त बन जाते हैं, भक्ति के अनुसार हो जाते हैं। So we are saved by the grace of the Lord by his blood shed on the cross. और हम जो उद्धार पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के लहू पे जो उसने क्रूस पे बहाया उसे विश्वास करते हैं। And after saving us, he's called us to a holy life. और हमें बचाने के बाद हमको एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया। We're all called to be set apart for Jesus. हम सबको बुलाया गया कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए गए हों। And therefore, let's respond to this calling. इसलिए हमें उस बुलाहट को जरूर उसका उत्तर देना है। Now in the Old Testament time, in Leviticus chapter 20 verse 26, we read. और पुराने नियम में लेवावस्था 20वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं। The Lord tells his people, you are to be holy to me because I, the Lord, am holy and I have set you apart from the nations to be my own. और मैं तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों में से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। You are to be holy to me because I am the Lord of holy. तुम्हें मेरे लिए पवित्र बनना है क्योंकि मैं खुद पवित्र हूँ। You are my own.
तुम मेरे अपने हो। टुडे वी क्रिश्चियंस बिलोंग टू हिम बिकॉज ही परचेस्ड अस बाय हिज ब्लड। हम आज प्रभु यीशु मसीह के हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया। वी डोंट बिलोंग टू आवरसेल्व्स। हम अपने नहीं है। वी डोंट बिलोंग टू द वर्ल्ड। हम संसार के भी नहीं है। वी बिलोंग टू हिम। हम उसके हैं। एंड वन रीजन व्हाई ही डाइड फॉर द क्रॉस, और एक कारण जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारले मरा, इन 2 Corinthians 5:15 पॉल राइट्स, दूसरा क्रंथियों 5:15 में पॉलुस लिखता है, एंड ही डाइड फॉर ऑल दैट दोज हु लिव विल नो लॉन्गर लिव फॉर देमसेल्व्स बट फॉर हिम हु डाइड फॉर देम एंड वाज रेज्ड अगेन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि वो जीवित है, वे आगे के लिए ना जिए परंतु अब उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। So first of all, the first step is for us to desire to live for Him, to be set apart. तो सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि मैं उसके लिए जीऊं, उसके लिए अलग हूं। It's a calling for every Christian to be holy. हर मसीह के लिए बुलाहट है कि वो पवित्र जीवन बिताए। In 1 Peter 1:13 we read. पहला पत्रस पहला अध्याय 13वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं। Peter writes. पत्रस ऐसे लिखता है। Prepare your minds for action. Be self-controlled. इस कारण अपनी अपनी बुद्धि को कमर बांधकर सचेत रहकर। Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. उस अनुग्रह की रूपी आशा की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he was called is holy, be holy in all that you do, because God has said, be holy, because I am holy. और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। We should never put our hope in our holiness. हमें कभी भी अपनी आशा अपनी पवित्रता पे नहीं रखनी है। We put our hope in the grace to be given us. हमें अपनी आशा उस अनुग्रह पे रखनी है जो हमारे को मिलता है। Because he's given us grace, in response to the grace, we live a life set apart for Jesus. क्योंकि हमें वह अनुग्रह मिला है, इसलिए हम ऐसा जीवन जीते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किया हुआ है। Now we also have to understand, by the amazing grace of God, by his divine power, he has given us everything we need already for life and godliness. तो एक बात हमें और समझनी है कि जो परमेश्वर ने अनुग्रह और दया हम पे करी है, उसके द्वारा से हमें सब कुछ उसने दिया है कि हम उसके लिए एक पवित्र जीवन जी सकें। In 2 Peter 1:3 is written. दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत में लिखा है। His divine power has given us everything we need for life and godliness. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। We can all be godly by the resources he's given us. जो कुछ साधन परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उसके कारण से हम पवित्र रह सकते हैं। So we have to understand the resources already given us for us to be holy and set apart. तो हमें परमेश्वर ने जो सारे साधन उपलब्ध कराए हैं पवित्र रहने के लिए, उसे हमें समझना है। First of all, he's given us the word of God. सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो परमेश्वर का वचन है। In John 17:17, Jesus says to the Father. यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहते हैं, Sanctify them by the truth. Your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Sanctifying means hallowing. और सत्य पवित्र करना मतलब उनको उसका आदर मान करना। In other words, you turn from sin, we are sanctified, we are made holy. और इस दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि हमें पाप से मोड़ के पवित्रता की ओर ले गए। The word of God sanctifies. परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। Even the Old Testament time, we read in Psalm 119:11. और पुराने नियम में भजन 119 उसकी 111वीं आयत में हम पढ़ते हैं। The psalmist says, I hidden your word in my heart that I will not sin against thee. और 11वीं आयत में लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। The word of God sanctifies us. परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। Number two, the Holy Spirit who's been given to us sanctifies us. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा, जो दूसरी बात है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, वो हमें पवित्र करता है। In 1 Peter 1:2, Peter writes. पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में पत्रस लिखता है। You are chosen by the foreknowledge of God the Father. और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार उसने हमें चुना है। Through the sanctifying work of the Spirit.
पवित्र आत्मा के पवित्र करने वाले काम के द्वारा से, फॉर ओबीडियंस टू जीसस क्राइस्ट एंड स्प्रिंकलिंग बाय हिज ब्लड, ताकि हम पवित्र यीशु मसीह के लहू, उसके पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़काए जाने के द्वारा से, द होली स्पिरिट सैंक्टिफाइज, ही मेक्स अस होली, पवित्र आत्मा जी हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है, ही मेक्स अस मोर एंड मोर लाइक जीसस, वो हमें और प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाता है। At the point of time we turn to the Lord wholeheartedly, जब हम पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, the Holy Spirit entered our hearts, पवित्र आत्मा जी हमारे हृदय में आ जाता है, to be in us forever, ताकि हमारे हृदय में हमेशा के लिए रहे। At that point of time, और a veil covering our heart was removed, और जब ऐसा होता है तो हमारे हृदय पे जो पर्दा पड़ा होता है वो हट जाता है। Which means after that, after turning to Christ, we can understand the scriptures. इसका मतलब यह है कि जब जब प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाते हैं तो हम वचन को समझ सकते हैं। We can begin to know God more and more. हम परमेश्वर को और अधिकाई से जान सकते हैं। And 2 Corinthians 3:18 Paul writes. दूसरा करिन्थियों तीसरा अध्याय उसके 18वें अध्याय पौलुस लिखता है। And we with unveiled faces or reflect God's glory are being transformed into His likeness. With ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. और परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। The Holy Spirit makes us more and more like Jesus. He sanctifies us. The Word sanctifies us. And also obedience to God comes from faith. और परमेश्वर के वचन के द्वारा से, उसकी आत्मा के द्वारा से हम पवित्र होते हैं और उसकी आज्ञा मानने से पवित्र होते हैं, और ये आज्ञाकारिता जो है जब हम उस विश्वास करते हैं उसके बाद आता है। रोमन चैप्टर 1 वर्स 5 सेज ओबीडियंस कम्स फ्रॉम फेथ। रोमियो पहला अध्याय 5वीं आयत में लिखा है कि आज्ञाकारिता विश्वास से आती है। व्हेन अ ओबीडियंस कम्स फ्रॉम फेथ इट्स नॉट अ बर्डनसम ओबीडियंस, इट्स अ जॉयफुल ओबीडियंस। और जब ये आज्ञाकारिता से हम जो विश्वास से हमारे विश्वास के द्वारा से आज्ञाकारिता आती है तो ये कोई बोझ नहीं होती, बड़ी खुशी वाली आज्ञाकारिता होती है। Now when I ask a Christian, is it how do you find it to follow Jesus? Is it difficult for you to follow Jesus, or is it joy? अगर किसी विश्वासी से पूछे भाई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना तेरे लिए बोझ है या बड़े आनंद की बात है? Most say very difficult. बहुत से कहते हैं भाई बड़ा मुश्किल काम है। But the Bible says different. पर बाइबल उसको बिल्कुल दूसरी तरीके से बताती है। In 1 John chapter 5 from verse 3 we read. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय तीसरी आयत से आगे हम पढ़ते हैं। दिस इज लव फॉर गॉड टू ओबे हिज कमांडमेंट्स, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। एंड हिज कमांडमेंट्स आर नॉट बर्डनसम, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। फॉर एवरीवन बोर्न ऑफ गॉड ओवरकम्स द वर्ल्ड, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। दिस इज विक्ट्री ओवरकम्स द वर्ल्ड इवन आवर फेथ, और ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। Who is one who overcomes the world? He believes that Jesus is the Son of God. संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसने ये विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। So all these are gifts. The word of God is a gift to us. God gives us. The Holy Spirit is a gift to us. Faith is a gift to us. तो ये सब परमेश्वर का दान है, हमारे को परमेश्वर का वचन दान है, पवित्र आत्मा जी दान है, और हमारा जो विश्वास है वो भी परमेश्वर की ओर से दान है। So we are called to be people who hunger for the word, तो हमें बुलाया गया कि हम ऐसे लोग हों जो परमेश्वर के वचन की भूख रखते हों, thirst for the Holy Spirit, परमेश्वर की आत्मा की प्यास रखते हों। Through the word and spirit we receive faith and we are called to be people who increase in faith to obey God. और परमेश्वर की विश्वास करने से वो आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर विश्वास आता है और उस विश्वास से हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। Then we also have the fellowship of God's people to encourage us in our walk with God. और परमेश्वर के लोगों की संगति भी हमारे पास होती है कि हम अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाए वो। Now as each one of us decides to be holy and walk with God, we must also understand we have a responsibility towards the church. और जब हम परमेश्वर के पवित्र जीवन में चलते हैं तो हमें एक बात और याद रखनी है, समझनी है कि हमारी कलीसिया के लिए भी हमारी एक जिम्मेदारी है। Let's not forget Peter wrote to the church that they should be spotless, blameless and at peace with God. और ये ना भूलें कि पत्रस ने ये जो बात लिखी थी कि तुम्हें पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक रहना है, परमेश्वर के साथ मेल के साथ रहना है, वो एक कलीसिया को ही लिखी थी। So everything will be restored, man. What kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives.
look for the day of the Lord and speed is coming. तो हम कैसे जीवन जीना है, हमें पवित्र निर्दोष जीवन जीना है, क्योंकि जब क्योंकि हम परमेश्वर के आने वाले दिन को नजदीक से आता हुआ देखते हैं और पवित्र जीवन जीना है. So now come the second point. While we walk individually with God, we have to be responsible for the church where we have God has put us. तो दूसरी बात हमारे दूसरा विषय आज जो है ये है कि जहां पे भी परमेश्वर ने हमें रखा है उस कलीसिया के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी. We have to encourage each other in holiness as a church to be holy and set apart. एक कलीसिया को अलग और पवित्र जीने के रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें. We can't be spectators in the wrong things happening in the church. अगर कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको खाली मूक दर्शक बन के देखते रहे, ऐसा नहीं होगा. We have to correct each other. हमें एक दूसरे को सही करना है. Second Timothy 3:16-17 says. दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, 16-17 में. All scriptures God breathed. और हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है. Used for teaching, correcting, rebuking and training in righteousness that the man of God will be thoroughly equipped for every good work. और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर रह जाए हो जाए. We have to correct each other in the body of Christ to build them up in a closer walk with God. तो हम कलीसिया में जो है अंग है कलीसिया के, हमें एक दूसरे को सुधारना है, उसकी उसकी गलतियों को बताना है ताकि हम एक दूसरे को बनाते हुए कलीसिया को मजबूत करें. We have a responsibility towards the church where God has put us for the whole church to be following the Lord Jesus. We can't say none of my business. तो हम जिस कलीसिया में परमेश्वर ने रखा है हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम पूरी कलीसिया जो है एक पवित्र होकर चले, एक दूसरे को संभालते हुए चले. ये नहीं कह सकते भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है. So I come to the next point about the fact that we Christians are called to judge each other. तो दूसरा विषय दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम मसीहों को बुलाया गया है कि हम एक दूसरे को सही करें. In 1 Corinthians 5th chapter verse 12 we read. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है. Chapter 5 verse 12. तो 5वां अध्याय 12वीं आयत में लिखा है. What business is mine to judge those outside the church? और कि क्योंकि मुझे बाहर वालों के न्याय करने का क्या काम है. I do not judge those inside the church. हमें जो कलीसिया के भीतर है उनका न्याय नहीं करना क्या? Yeah, we suppose judge those inside the church, not outside the church. हमें जो कलीसिया के भीतर है उनका भी न्याय करना है, बाहर वालों का न्याय नहीं करना. God judge those outside. परमेश्वर जो उनका न्याय करेगा जो बाहर है. So we are supposed to judge Christians inside the church. तो हमें जो कलीसिया के अंदर मसीह लोग हैं उनका न्याय हमें करना है. Many Christians have a partial understanding of that 7th chapter of Matthew verse 1 and 2 says do not judge or you will be judged. और बहुत से मसीहों को एक आदि ज्ञान होता है इस बात का जो मत्ती 7वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में जो लिखा गया. Look at the first two verses. हम पहली दो आयतों को देख लेते हैं. We don't look at third, fourth and fifth verse. तीसरी चौथी पांचवी आयत को हम नहीं देखते. First two verses say, पहली दो आयतों में लिखा है do not judge or you will be judged. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए. But the same measure you judge, you'll also be judged. कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम्हें भी दोष लगाया जाएगा. Look at these two verses. Christians do not want to correct each other. They say his business, I do my business. He'll do what he wants. I do what I don't want to judge him. और इन दो आयतों को देखते हुए मसीह लोग बोलते हैं भैया मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना न्याय उसको देना, मैं अपना काम करूंगा, वो अपना काम करे. If you try to correct him, he'll say, look at Matthew 7:1, don't judge me. और अगर हम उसको कहते हैं भैया उसको देखो सही करने के लिए तो वो कहता है भैया मैं तुम मत्ती 7 पहली आयत को देख लो. But we don't be correct, we judge non-Christian, they don't know Matthew 7:1, so they won't tell us that. They won't? They won't quote Matthew 7:1 to us, non-Christians, and we judge them very much. अगर हम अविश्वासियों को ये अन्याय करने लगते हैं तो अविश्वासियों को तो नहीं पता मत्ती पहले 7वें अध्याय की पहली दो आयतों को. But Bible says, don't judge them. God judge them. You judge your own people. परमेश्वर कहता है कि तुम उनका न्याय ना करो, परमेश्वर खुद उनका न्याय करेगा. Now go to 7th chapter verses 3, 4 and 5. पर इसी अध्याय की तीसरी चौथी और पांचवी आयतों को अगर हम देखते हैं. How can you judge when you have a plank in your eye when your brother has a speck of sawdust inside? तुम अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख के लट्ठे को तुझे नहीं सूझता. First, remove the plank, you can see better, remove the speck.
तो पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तू अच्छे से देखेगा, तब उसकी आंख का तिनका निकालना। So the Lord says in 7th chapter 1 and 2, don't judge or you'll be judged. What he means is, do not judge with the plank in your eye. जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू दोष मत लगा कि तेरे पर दोष लगाया जाएगा, तो वो है कि अपनी आंख में तिनका रखते हुए तू दूसरे लट्ठा रखते हुए न्याय मत कर दूसरे का। He's got a speck, you got a plank. तेरी आंख में तो लट्ठा पड़ा है, उसकी आंख में तो सिर्फ तिनका ही है। Remove the plank, you can see better, then remove the speck. तू पहले अपनी आंख का लट्ठा उठा हटा, फिर तेरे को अच्छे से दिखेगा, फिर तू उसकी आंख का तिनका निकालना। Also, please note that the plank is made of wood. और ये भी याद रखें कि जो लट्ठा है वो लकड़ी का बना होता है। A speck of sawdust also is wood. और एक छोटा सा बुरादा जो है लकड़ी का, वो भी लकड़ी ही है। Symbolizing, if your brother has some particular sin to a smaller degree, you have the same sin to a larger degree, then don't judge. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके अंदर कोई पाप है जो कि उसी तरीके का पाप है जो आपके भाई के अंदर है, तो अगर वो आपके अंदर वो पाप ज्यादा है, तो आप अपने भाई का न्याय ना करें। First, remove the plank. You can see better and you help them remove the speck. अपने अंदर से पहले उस पाप को जो लट्ठे के समान है उसको हटा, फिर तू अच्छे से देख पाएगा, तब अपने भाई का तू न्याय करना या उसका लट्ठा तिनका निकालना। What's happening today in the churches, people don't correct each other. और कलीसियों में आजकल क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को नहीं सुधारते। I've got a plank, he's got a speck. मेरी आंख में लट्ठा है, उसकी आंख में तिनका है। If I talk about his speck, he'll talk about my plank. अगर मैं उसके तिनके की बात करूंगा, वो मेरे लट्ठे की बात करेगा। If I judge him, he'll judge me. मैं उसका न्याय करूंगा, वो मेरा न्याय करने लगेगा। So I won't talk about his speck, he will not talk about my plank. तो बेहतर ये है कि ना तो मैं उसके तिनके की बात करूं, ना वो मेरे लट्ठे की बात करे। So I'll keep my plank, he'll keep his speck. मैं अपने लट्ठे को रखे रखता हूँ, वो अपने तिनकों को रखे रहे। So when Christ comes the second time, we'll find churches full of planks and specks. तो जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, तो कलीसिया को देखेंगे कि सबकी आंख में लट्ठे और तिनके भरे हुए हैं। He wants to see a church with the holy and set apart. परमेश्वर देखना चाहता है एक ऐसी कलीसिया जो पवित्र है, निर्दोष है, अलग की हुई है। Yes, supposed to correct each other. हमारे से उम्मीद रखी जाती है कि हम एक दूसरे को सही करें। To build up people, not to, you know, pull them down. हम लोगों को बढ़ाएं, बनाएं, उनको गिराएं, नहीं गिरा खींच के नीचे। In the book of Matthew, chapter 18, 15 to 17, we see very clearly a process by which the Lord told how to talk to your brother about his sin. अब मत्ती 18, 15 से 17वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कैसे हमें एक भाई को जो गलत है उसको कैसे सही करना है। The Lord said, when your brother sins against you, go and tell him his fault one to one. कि यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जाकर अकेले में बातचीत करके उसे समझा। If he repents, you won your brother. यदि तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। If he doesn't listen, tell two or three people. अगर यदि वो ना सुने तो एक दो जन को जाके अपने साथ ले जाओ, फिर उनसे बता। If he still doesn't listen, tell the whole church. और फिर भी नहीं सुनता, फिर तू कलीसिया में सबके सामने उस बात को कर। Still doesn't listen, put him out of the church, treat him like a tax collector or a sinner. अगर फिर भी नहीं सुनता तो उसको कलीसिया की जीवी नहीं मानता, तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसे जान के उसे छोड़ दे। But not permanently, bring him back when he repents. पर उसको हमेशा के लिए नहीं निकाल देना, अगर वो पछतावा करता उसको वापस भी ले आना। Second Corinthians, second chapter, 6-8 says, reaffirm your love for him, bring him back, let him not be overcome by excessive sorrow, forgive him. दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 6-8 में देखते हैं कि उसको हमें उसको सुधारना है, उतना नहीं निराश कर देना कि वो पूरा असहाय हो जाए, आशा छोड़ दे और दूर चला जाए। Now there are many people, sincere people, who are caught up in sin, and you point out the mistake to them, they agree, I've got a problem, but they don't know how to come out of it. और अगर आप हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो लोगों के अंदर गलतियां हैं और वो अपनी गलतियों को मानते भी हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि उस गलती से निकले कैसे। Then what you do is you have to help them come out. तो हमारा काम क्या बनता है कि हम उसकी मदद करें कि उस गलती में से, उस पाप में से उसको निकलने में सहायता करें। In Galatians chapter 6 verse 1 Paul writes. और गलतियों 6 अध्याय उसकी पहली आयत में पॉलुस लिखता है। But if someone is caught up in a sin, you who are spiritual to restore him gently. हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा पड़ता भी है तो जो तुमको आत्मिक है नम्रता के साथ उसको संभालो। But be careful or you may be tempted. और अपने भी चौकस रहो कि तुम उस परीक्षा में ना पड़ जाओ। So when you correct somebody out of love for the person to build up the person,
correct, rebuke, encourage, sometimes even be severe with them, but they accept the mistake, help them come out of it. तो हमें जो आदमी गलती करता है उसको समझाना है, डांटना है, कई बार ताड़ना भी देनी है, पर जब वो स्वीकार करता अपनी गलती को, मानता है, पछतावा करता है, उसको वापस अपने में स्वीकार भी करना है. When they are very obstinate and vehement and want to continue on sin, we must be strong with them. अगर वो बड़े जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं कि नहीं मैं तो इस काम को करते ही रहूंगा, तो उनके साथ हमें बड़ा सख्त भी होना है. Like in the case of Matthew 18 chapter 15 to 17 process of how to deal with them. जैसे हमने मत्ती 18वें अध्याय में हमने देखा 15-17 में कि कैसे ऐसे लोगों के साथ हमें निपटना है. But when they accept their weakness and want to come out of it, we are spiritual people, we should help them come out of it. पर अगर वो अपनी गलती को मानते हैं और क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, हमारे को उनकी मदद करनी है कि उस परिस्थिति में से वो उसको बाहर निकलने में मदद करें. In the Old Testament, we read about how God spoke to people who had backslidden. हम पुराने नियम में पढ़ते हैं परमेश्वर ने कैसे उन लोगों से बात करी जो पीछे फिसल गए थे. In the book of Jeremiah, chapter 3, verse 22. Jeremiah 3 अध्याय उसकी 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं. The Lord says, "Return, faithless people, I will cure your backsliding." हे भटकने वाले लड़को लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा. I will cure your backsliding, God says. You only acknowledge your guilt. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे भटकने को सुधार दूंगा, तुम्हें सिर्फ अपनी गलती को मानना है. In the book of Jeremiah, 3rd chapter, verse 13, he says, only acknowledge your guilt. Acknowledge what you've done is wrong. That's all. I will cure it. और यरमिया 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर कहता है केवल अपना यह अधर्म मान ले और फिर मैं तेरे को माफ कर दूंगा. And today, why can't we be instruments of God in them coming out of backsliding for the whole church to be holy and set apart? So, आज के समय में हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि उन लोगों की मदद करें जो उन्हें परमेश्वर के वापस आ जाए और पवित्र और अलग किए हुए लोग बन सकें? And the Lord told these people who backslidden only acknowledge your guilt. परमेश्वर ने इन लोगों को जो पीछे हट गए थे, फिसल गए थे, वापस चले गए थे, उनको बोला तू सिर्फ अपनी गलती को मान ले. Verse 14-15 here, he says, tells them. और 14वीं 15वीं आयत में परमेश्वर उनसे कहता है रिटर्न टू मी फॉर आई एम योर हस्बैंड, मेरे और लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं. आई विल चूज यू वन फ्रॉम अ टाउन, टू फ्रॉम अ क्लैन एंड ब्रिंग यू टू ज़ायन, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक, प्रत्येक कुल के पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा. एंड आई विल गिव यू शेपर्ड्स आफ्टर माय ओन हार्ट हु विल गाइड यू विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाए दूंगा और जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे. सो व्हाई कांट वी बी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गॉड इन पीपल ऑफ बैकसाइड एंड जस्ट टू कम बैक विद हैविंग अ हार्ट फॉर गॉड विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, हेल्प देम कम आउट ऑफ द बैकस्लाइडिंग. तो परमेश्वर क्यों ना हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर के लोग हैं, जो हमारे अंदर ऐसा हृदय हो कि हम उन लोगों की मदद करें कि उनको फिसले हुए जगह से वापस लाने में मदद करने का साधन बन जाए. सिन इन द चर्च वी हैव टू डील विद इट, वी कैन नॉट पुट इट अंडर द कारपेट. अगर कलीसिया में कोई पाप है तो हमारे को उसको निपटना है, उसको ऐसा नहीं कि चर्च दरी के नीचे डाल दें. Isaiah 5:20 says, woe to those who call evil good and good evil. यशायाह 5 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है हाय उन पे जो गलत को सही कहते हैं और सही को गलत कहते हैं. But when you talk to people and correct them, please do it in love. Don't use harsh words. Don't pull them down. पर जब हम लोगों को सुधारते हैं तो ये बात बड़े ध्यान रखने की है कि हम कठोर शब्द ना करें, उनको बिल्कुल निराश कर देने वाले शब्द ना प्रयोग करें. We are called to be people who build up people in the faith. हमें बुलाया गया कि हम ऐसे लोग बने कि हम दूसरे लोगों को विश्वास में मजबूत करें. We can't compromise on wrong doing. We must address it. हम गलत चीज होती हुई ये देख रहे हैं उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें उसको निपटना उससे. We have to speak the truth. और हमें सच्चाई की बात करनी है. And speak the truth in love. और उस सच्चाई को बड़े प्रेम से बोलना है. Ephesians 4:15 says, speaking the truth in love, we will grow up in the head that is Christ. और Ephesians 4:15 में लिखा है कि हमें वरन प्रेम से में सच्चाई से चलते हुए सब बातों को उसकी उस जो सिर है अर्थात यीशु में बढ़ते जाएं. Love does not mean telling people what they like to hear. प्रेम का मतलब ये नहीं है कि लोगों को जो सुनना पसंद है हम वही बोलते रहें. Love is telling people what they need to know for a closer walk with God. प्रेम ये है कि हम उनको जो उनको जरूरत है वो उन्हें बताएं ताकि वो परमेश्वर के साथ नजदीकी चाल में चल सकें. So as you walk in holiness and follow Jesus, तो जब हम पवित्रता के साथ चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, effective witnesses for Christ in the world. हम संसार में परमेश्वर के बड़े जबरदस्त कारगर गवाह बन जाते हैं.
In John 13:35, Jesus says, यहूना 13 उसकी 35वीं आयत पर यीशु मसीह कहते हैं, By this all men will know you are my disciples when you love one another. और आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. Today God wants to the church the wholeness of God to be manifested. और परमेश्वर की आशा यह है कि पूरी कलीसिया के द्वारा से उसकी पवित्रता प्रकट की जाए. The love of God to be manifested. परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया जाए. The power of God to be manifested. परमेश्वर की सामर्थ प्रकट की जाए. And the wisdom of God to be manifested. और परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि प्रकट की जाए. Ephesians chapter 3 verse 10 says. Ephesians the तीसरा अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है. God's will that through the church the manifold wisdom of God made known to the authorities. ताकि अब कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारों पर जो स्वर्ग के स्थानों में प्रकट किए जाएं. This is the reason why the Lord tells the church in Corinth, don't take your lawsuits to the Gentile judges. इसलिए कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि अपने जो वकालतें हैं, अपने जो झगड़े हैं, वो अन्य जातियों के पास ना पहुंच जाओ लेके. First Corinthians 6 chapter, the first few verses talks about. पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय की कुछ शुरुआती आयतों में ऐसी बात लिखी है. Don't take your lawsuits before the Gentile judges. कि अपने झगड़े को अधर्मियों के पास न्याय के लिए ना ले चले जाओ. One believer should not go to court against another believer. एक विश्वासी अन्य अविश्वासी के न्यायालय में अपने न्याय के लिए ना जाए. And the Lord and the apostle Paul is rather sarcastic to say, are there not people in the church who can judge these cases? Are not people of wisdom enough to judge these cases? और पौलुस तो बड़े डांटते हुए और बड़े तिरस्कार के साथ उनसे बोलता है, क्या तुम्हारी कलीसिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे अपने आपस तुम्हारे झगड़े को वहां कलीसिया में सुलटा दे? We are supposed to manifest the wisdom of God, which will decide who's right, who's wrong, and sort out problems. हमें तो परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट करना है और हमें पता होना चल जाना चाहिए कौन गलत है कौन सही है और उस झगड़े को वहीं सुधर समाधान कर देना चाहिए. In fact, a few years back, in a particular church in Delhi, one went to court against another person, against the church, in fact. और भाई बता रहे हैं कि एक कलीसिया में ऐसा हुआ कि दो विश्वासी लोग थे, वो आपस में कलीसिया में ही जो है वो झगड़ा हुआ और वो कोर्ट में चले गए. And the judge who was not a Christian, who did not know the Bible, is asking them, why do you bring the case here? और जो जो वकील जो जज था न्यायाधीश था वो अविश्वासी था मसीह नहीं था, वो बोलता कि तुम ये झगड़ा यहाँ क्यों लेके आ गए? Don't you have people in a church who can solve this problem? Why do you bring it waste our time, court time? क्या तुम्हारी कलीसिया में ऐसे लोग नहीं है जो आपस में इसको समाधान कर देते? क्यों कर कचहरी का समय वेस्ट कर बर्बाद कर रहे हो? Same thing the apostle Paul wrote to church in Corinth 2000 years ago. This non-Christian tells the church member. और जो 2000 साल पहले पौलुस की जो बात थी जो उसने कुरिन्थियों के कलीसिया को बोली थी, ये अविश्वासी न्यायाधीश ये इन लोगों को बता रहा था. Just imagine what a powerful organism the church will be when all of us walk in holiness, walk in love, walk in wisdom, walk in power, walk in humility. तो कितनी सामर्थ की बात हो जाएगी अगर कलीसिया जो है परमेश्वर की सामर्थ में बुद्धिमानी में उसकी उसके ज्ञान में प्रेम में बढ़ती चली जाएगी. Today Christ lives in us. आज परमेश्वर हम यीशु मसीह हमारे में जीवित है. And God wants to reveal himself in us to people. और परमेश्वर अपने द्वारा से हमारे द्वारा से अपने आप को दूसरे लोगों को प्रकट करना चाहता है. From the time we accept Christ as Savior and Lord, जिस क्षण से हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते हैं, He's come to live in us. वो हमारे में आ जाता है जीने के लिए रहने के लिए. Apostle Paul writes in Galatians chapter 1 from verse 15. पौलुस कहता है गलतियों पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत से आगे. For when God who set me apart from birth and called me by his grace was pleased to reveal his son in me, I didn't consult any man. परंतु परमेश्वर की जिसने मुझे माता के गर्भ से ही मुझे मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, अब इच्छा हुई कि मुझ में अपनी पुत्र को प्रकट करे कि अन्य जातियों को उसमें उसका सुसमाचार सुनाऊं. कि वो अपने पुत्र को मुझे प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों को उसका सुसमाचार सुनाऊं. Let's understand the high calling the whole church has got from God. तो ये हमें समझना है कि परमेश्वर की कितनी ऊंची बुलाहट है कलीसिया के लोगों के लिए. The church has a solution for the world's problem because the church knows Jesus Christ. He is the answer to the world's questions. और कलीसिया के पास सारे संसार की जो समस्या है उसका इलाज है
क्योंकि वही परमेश्वर जो है वो सब समाधान उसका वचन में उसका समाधान है। Let's understand being witnesses for Christ and being sharing gospel has got an integral relationship with a holy life following Jesus. तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनना उसकी गवाही देना ये बहुत ही जुड़ा हुआ है इस बात से कि हम कैसा एक पवित्र जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। One more very important thing. और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। When a Christian repents of his sin. जब एक विश्वासी एक मसीह विश्वास अपने पापों से पछतावा कर लेता है। Don't hold the sin against him or her. आप उसके लिए उस पाप को फिर भी पकड़ के ना रखें। I told you the three possibilities, two possibilities I shared. Third possibility is about people who repent. First possibility, they don't want to listen to all. They say, no, I won't change. तो हमने तीन परिस्थितियों के देखे। पहला देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बदलना ही नहीं चाहता, मन फिराना ही नहीं चाहता है। दूसरा हमने देखा जो मन फिराना चाहता है। And then we have helped them come out of it. और हमें उनकी मदद करनी है कि उस परिस्थिति में से उसे बाहर निकाल लें। The third case is when people repent, they not only confess their sins, they repent of their sins. पर एक तीसरी वो लोग होते हैं जो ना केवल अपने पापों को मानते हैं पर उससे मन फिरा के उसे उसे छोड़ भी देते हैं। Then we must put that sin completely behind us. तो हमें भी उस पाप को अपनी पीठ के पीछे कर देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। Because 1 Corinthians 11:31 says, if we judge ourselves, we will not come under judgment. क्योंकि 1 कुरिन्थियों 11:31 31वीं आयत में लिखा है कि अगर हम न्याय करेंगे तो हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। When God forgives, he forgets. जब परमेश्वर माफ करता है वो उसको भूल भी जाता है। The Lord wants us not only to confess our sins, he wants us to repent of our sins. परमेश्वर चाहता है कि ना केवल अपने पापों को मान लें पर उससे पछतावा भी कर दें। Confession is verbal, repentance is action. और मुंह से बोलना पछतावा करना एक है और अपने मन से उसको छोड़ देना ये अपने जीवन से हृदय से होता है। When a person put his past behind and turn from sin, don't hold it against him because God doesn't hold it against him. अगर एक मनुष्य ने अपने पापों को मान लिया उसको छोड़ दिया तो और तो परमेश्वर ने उसके पाप को उसके अपने पीठ के पीछे फेंक दिया तो हमें भी उसको भूल जाना चाहिए, उसको बार बार नहीं याद रखते रहना चाहिए। In Jeremiah 31:34, the Lord says, यर्मिया 31 उसकी 34वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, अब न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स, नए नियम के विश्वासियों के लिए, आई विल फॉरगिव देयर सिंस एंड रिमेंबर देयर सिंस नो मोर, क्योंकि मैं उनके पाप को धर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा। व्हेन गॉड फॉरगेट्स वी शुड आल्सो फॉरगेट अदर पीपल्स सिंस, जब परमेश्वर माफ करके भूल जाता है हमें भी उन लोगों के पापों को भूल जाना चाहिए। वेरी सिंपल The method of dealing with sin in the church for the whole church to be holy and set apart for the Lord. और बड़ी साधारण सी तरीका है कि कैसे कलीसिया जो है पवित्र और निर्दोष और अलग करी हुई हो सकती है इन कामों के द्वारा से। And all even children can understand these things. Children can understand. और इतनी साधारण है कि छोटे बच्चे भी इस बात को समझ सकते हैं। God's word is so simple. परमेश्वर का वचन इतना साधारण है। And therefore, let's simply obey, and then we'll find as a body of Christ before the second coming. We'll be hallowing His name. Hallowed be Your name. We hallow Him by living a holy life. तो हम जब ऐसा जीवन जिएंगे और परमेश्वर के साथ ऐसे हम कलीसिया में चलेंगे, तो हम जब प्रभु आएगा, वो हम हमारे अपने जीवन से प्रकट करेंगे कि हम उसका नाम पवित्र माना जाए, हम उसके नाम को पवित्र प्रकट करेंगे। God's purpose for generation is that the unbelievers will seek after God and believers will share the gospel with their words and with their lives. परमेश्वर की इच्छा दुनिया से यही है कि अविश्वासी लोग परमेश्वर को जाने और जो विश्वासी लोग हैं वो अपने जीवन से अपने कामों से उसके वचन को दूसरों पर प्रकट करें। We are not just called to witness about Jesus, we are called to be witnesses. हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम गवाही दें पर हमारे को गवाह बनने के लिए भी बुलाया गया। We are called to be witnesses. What we speak, what we believe, how we live, all should reflect the gospel that the whole world be saved. ताकि हम जो बोल रहे हैं जो गवाही दे रहे हैं वो हमारे जीवन से भी प्रकट हो ताकि सारे संसार के लोग देख सकें कि हम कैसे परमेश्वर के किए हुए अलग लोग हैं, पवित्र किए हुए लोग हैं। May God bless us and we take the word of God very seriously and tomorrow morning and speak on one more aspect of manifesting the kingdom of God as we live for Jesus. और परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और कल भाई और एसी के तीसरे भाग में कि कैसे हम परमेश्वर की जो पवित्रता है उसको प्रकट करना है, उसके राज को कैसे प्रकट करना है, इसके ऊपर कल सुबह इतवार को सुबह संदेश देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।